दोस्तों नमस्कार। वेदही ग्रुप, हमारा पूरा उदयपुर शहर जानता है कि वेदही ग्रुप बेदला और भुआना उस रोड के बीच में, एड्रेस तो ये बताएंगे हिमांशु जी मेहता, लेकिन बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, और उनकी क्या क्वालिटी है तो मैं बात करूंगा हिमांशु जी मेहता से। सर, जो हमने नाम सुना वेदही ग्रुप के बारे में, काफ़ी अच्छा नाम है, इसलिए हमें भी लगा यार कि जब इतने न्यूज़ चैनल वाले आपसे बात करते हैं तो मेवाड़ न्यूज़ चैनल पीछे क्यों रहे, तो इसलिए हम आपसे पास आए हैं। तो आप मुझे ये जानकारी दीजिए कि क्या खासियत है आप इनकी बिल्डिंगों में, और पूरा यहाँ का एड्रेस वगैरह भी बताऊँ। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये नवरत्न एरिया है, न्यू नवरत्न कहते हैं इसे, और ये भुआना सर्कल जो है यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर है। ये आप 1 किलोमीटर के अंदर आएंगे आपको तो ये आपको कॉम्प्लेक्स वहीं से दिख जाएगा। और मैं आपको ये क्वालिटी के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा, कि जो मटेरियल अपन यहाँ यूज़ करते हैं, शायद जो नॉर्मल पर्सन है उनको ये समझ में नहीं आएगा कि सीमेंट क्वालिटी क्या होती है, रॉड कौन सा, सरिये जो लगते हैं वो कौन से लगते हैं, ईंटें या उसमें क्या खासियत है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो हमको आँखों से दिखता है उसे अपन कंपेयर कर सकते हैं। आप कहीं और पे जाके अगर कंपेयर करेंगे कोई और मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में, और हमारे यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप पिलर्स को आप थोड़ा बताएंगे तो मैं बता सकता हूँ कि आप ये सिर्फ जो दिखता है वही उसी से आप कंपेरिजन चालू कीजिए कि यहाँ की जो पिलर्स की साइज़ है वो दूसरी जो बिल्डिंग्स है उसके साथ आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ की थिकनेस क्या है और वहाँ की थिकनेस क्या है। और ऑब्वियसली जब थिकनेस जब बढ़ जाती है तो बिल्डिंग की स्ट्रेंथ भी और लाइफ भी बढ़ जाती है। दूसरी तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लिफ्ट देखिए, स्ट्रेचर लिफ्ट जो है अपने, ये स्ट्रेचर लिफ्ट बनाई है, 16 जने की कैपेसिटी है इसकी। इसके अंदर आप पूरा डबल कॉट से लेके सोफा सेट डायरेक्टली लेके जा सकते हैं अपन इसमें से। तो ये अभी तक किसी ने प्लान नहीं किया है अफोर्डेबल में, ये प्रीमियम क्वालिटी के जो हाउसेज है इसके लिए अपने ये प्लान किया हुआ है। अब ये पार्किंग की अगर हाइट आप देखेंगे तो ये 15 फीट की हाइट लिया हुआ है। ये हमारे बाद लोगों ने अभी कोई अगर टूर किया तो पता नहीं, लेकिन ये पहली बिल्डिंग ऐसी है जिसके अपन ने 15 फीट की अपन ने पार्किंग हाइट ली है। अच्छा हिमांशु जी, ये जो नई, इसके जस्ट पास में ये कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है, जैसे कई सारे लेबर काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके बारे में बताइए। दूसरा ये कि ये बीच में आपने रोड टाइप क्या कर दे रखा है, और काफ़ी बहुत ऊंची बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन के बारे में तो आपने बता ही दिया कि हमारे पिलर्स की साइज़ देखिए, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि 1.5 फीट बाई 2 फीट का एक पिलर्स है, जो कई जगह इतने पिलर्स नहीं होते हैं, तो पिलर्स की जो स्टैंड उसके बारे में बताइए और बिल्डिंग के बारे में बताइए। ये दो बिल्डिंग के बीच की जो दूरी गैप है तकरीबन 25 फीट की ये दूरी है एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग के बीच में, ताकि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किसी भी टाइम पे हर बिल्डिंग के अंदर, हर घर के अंदर हवा ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी। चाहे इवन आप सुबह का टाइम ले लीजिए, दोपहर का ले लीजिए, शाम का ले लीजिए, हर घर के अंदर हवा रोशनी बरकरार रहेगी, इसलिए इसको इतना डिफरेंस अपन ने दिया है। उदयपुर की पब्लिक है, क्योंकि ज़्यादातर जैसे हमारे उदयपुर में या उदयपुर संभाग में देखेंगे लोग, तो पब्लिक कैसे आपसे संपर्क करें, किस तरह से कहाँ मिलें? सर ये इसके लिए अपन काफ़ी एडवर्टाइजमेंट भी चल रही है, और हमारे पास चार फ़ोन नंबर है जो अपन हर बोर्ड के अंदर डिस्प्ले किया गया है। हमारा फेसबुक अकाउंट भी है, यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं, ये वेदही प्रीमियम हाउसिंग के नाम से है अपने हाउसिंग, उसके अंदर अपन दिख सकता है उसमें आपको। सोशल मीडिया में भी अपना अकाउंट्स है, इंस्टाग्राम में ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, सब जगह पे है अपने। दोस्तों जैसे कि यहाँ की जो मैंने पार्किंग स्पेस भी देखी वो बहुत ज़ोरदार है, जैसा कि आपने बताया कि 15 फीट पार्किंग, वास्तव में किसी भी कॉम्प्लेक्स में 15 फीट की हाइट की पार्किंग नहीं होती है। और फिर पार्किंग भी देखो कलरफुल, येलो पीला नीला, तो लोगों को ये लगेगा कि यार हम कहीं किसी मॉल में आ गए, मतलब तो 15 फीट की हाइट की पार्किंग आज दिन तक किसी मॉल में भी नहीं देखी मैंने, तो वेदही ग्रुप ने ये 15 फीट की पार्किंग दी है, ये वास्तव में एक देखने काबिल है। अब जैसे देखिए आप
इनके सारे स्टाफ्स हैं, इनके मैडम हैं, ये सब लोग कई सारे लोग विजिट कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ के जो भी और उनसे मिलेंगे हम दोस्तों, जैसे कि कई लोग इस समय भी, आज संडे का दिन है, हमारे उदयपुर शहर के या आसपास के क्षेत्रों से कई लोग इस बिल्डिंग को, वेदई ग्रुप की जो भी बिल्डिंगें बनी हुई हैं उसकी विजिट करने भी आ रहे हैं। मैडम, मैं चाहूँगा कि आप अपना नाम बताएं और आपने यहाँ क्या देखा और क्या चाहते हो यहाँ पर। नमस्ते, मेरा नाम ईशा है, मैं यहाँ पे फ्लैट के लिए, मैं यहाँ पे फ्लैट के लिए आई थी। मैंने न्यूज़ में कल देखा था, न्यूज़ चैनल पे वेदई ग्रुप का बहुत टाइम से आ रहा था, तो मैंने कहा अब संडे तो आज आके देखते हैं। हाँ, तो आप ही के चैनल पे किया, मैंने कहा आके देखते हैं कि क्या है और कितना दूर है कॉमन, तो यहाँ पे मेरे को अच्छा लगा। फ्लैट अभी एक देखा है तो फिर इसलिए फिर आगे वो दिखा रहे हैं। आप भी अपना परिचय बताइए, क्योंकि नया फ्लैट लेने आए हैं, तो आप यहाँ क्या जॉब करते हैं, किस तरह के व्यक्ति यहाँ आएंगे, कुछ हो तो। नहीं, एक्चुअली मैं प्रॉपर सलूंगर से हूँ। ओके, और यहीं पर मैं रह रहा हूँ, और आपके अभी मैंने कल न्यूज़ में जो केबल है, मेवाड़ केबल, उसमें ही आ रहा था वेदई का, तो ये कुछ नया था, देखने आए हैं कि कैसा है क्या है। परचेज तो करना ही है, अब जैसे अगर समय समझ में आएगा कैसे क्या है तो फिर देखते हैं। और दोनों ही सर्विस में अभी एड्रेस पूछा, वो लोग भी आने के लिए ही कर रहे थे, वो कोई चाय का थैला भी होगा या मतलब जिनका, तो वो भी इसीलिए डिस्कस कर रहे थे कि यार वहाँ पे चलते हैं। हाँ, तो आपके न्यूज़ चैनल से जिन्होंने देखा ना वो, आपने तो मेरी बड़ाई कर दी मेरे। चलो, बहुत बढ़िया बात है। चलो यार, तो मेहता साहब आप आइए, क्योंकि देखो लोग तो आ रहे हैं, कई टाइम से आ रहे हैं, इतना काम चल रहा है। और भी बताइएगा आप क्या क्या फैसिलिटी देंगे। मान लो ये आपके कस्टमर है, अभी तो देखने आए, कल आपके कस्टमर बन जाएंगे, आप इनके साथ रहोगे, ये रहेंगे, तो क्या क्या फैसिलिटीज देगो, पानी की, हवा की, और जैसे कि बिजली की, जनरेटर की। देखिए मैडम, यहाँ पे जो अपने यहाँ पे है, एक गार्डन अंदर की तरफ है, तीन गार्डन बाहर की तरफ रहेंगे, मतलब टोटल तीन गार्डन है, एक गार्डन अंदर है, दो गार्डन बाहर है। अंदर का जो गार्डन है वो 6000 स्क्वायर फीट का है, और इसके अलावा जो बाहर का गार्डन है ये 20000 स्क्वायर फीट का यहाँ पर है, और एक 15000 स्क्वायर फीट का गार्डन आउटर साइड की तरफ है। टोटल यहाँ पे 4000 स्क्वायर फीट का कम्युनिटी हॉल रहेगा, जिसके अंदर जिम रहेगा, जिम के अलावा इसमें लाइब्रेरी रहेगी, योगा का पूरे क्लासेस रहेंगे। तो ये टोटली जो अपन बनाएंगे, टोटल मॉडर्न फैसिलिटी के साथ अपन बना रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इवन अपन जो घर के अंदर भी आपने देखा रहेगा कि जो दूसरी जगह पे है और यहाँ में जो फ़र्क रहेगा फ्लैट के अंदर, यहाँ पे जो हेरिटेज डिज़ाइन बोलते हैं वो अभी तक किसी फ्लैट के अंदर आपको नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री हेरिटेज डिज़ाइन करके दे रहे हैं। और जो हेरिटेज डिज़ाइन है उसके अंदर अपन सीमेंट से काम कर रहे हैं, मतलब जो बाकी अगर आप करवाओगे तो आपको POP करते हैं, जो POP आपको एक साल, डेढ़ साल या मैक्सिमम दो साल के अंदर वापस निकल जाता है, तो उसको वापस से बहुत बुरा लगता है घर में। लेकिन जब सीमेंट से होता, ये पूरा जो अपन कर रहे हैं इस वक्त अभी सीमेंट की अपन से करवा रहे हैं, और यही अपन को लगेगा, तो ये जब तक घर अपना लाइफ टाइम है या लाइफ टाइम तक ये बना रहेगा। तो अपने हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर अपने क्वालिटी को मेंटेन किया है, चाहे वो सीमेंट से हो, चाहे कंक्रीट या जो भी सरिया है, सब चीज़ों को लीजिए, अपने क्वालिटी 100% मेंटेन की है इसके बारे में। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जी, ये जो एरिया है, ये बिल्डिंग जो है, ये बिल्कुल एक अलग से है अभी, है ना। यहाँ आसपास में एरिया काफ़ी खाली है, तो ये भविष्य में साल दो साल में यहाँ कोई आसपास में और भी कुछ बनने वाला है, या अभी कुछ आपको ध्यान हो तो, मतलब आपने जो सोच के बनाया है, क्योंकि ज़्यादातर होता है, चलो एकांत सब समझ में आता है कि अकेले रहना या थोड़ा शांत में रहना ठीक है, लेकिन आसपास फिर भी थोड़ी बहुत सेफ्टी भी लोग देखते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं ठीक है, लेकिन और भी कुछ बनने वाला है क्या? देखिए यहाँ पर जितने भी प्लॉट्स है, यहाँ जितने प्लॉट्स है वो सभी इंडिविजुअल प्लॉट्स से आ गए, और बड़े हाई रेज बिल्डिंग यहाँ पर होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लॉट्स है वो प्लॉट के हिसाब से लोग इंडिविजुअल अपना घर बनाने के लिए ही प्लान करेंगे, जो भी 2000 स्क्वायर फीट का है या 1500 स्क्वायर फीट का है, 1000 स्क्वायर फीट का है, तो वो इंडिविजुअल घर तो डेफिनेटली बनेंगे। उदयपुर जैसे एक्सटेंड हो रहा है, आगे भी होता रहेगा, तो ये अपन ये नहीं बोल सकते कि ये यहाँ डेवलप नहीं होगा, डेफिनेटली डेवलप होगा, और डेवलपमेंट तो मेन ज़रूरी है अपने उदयपुर के लिए, तो डेवलपमेंट तो डेफिनेटली होगा। ठीक है, सर नमस्कार। जैसे कि वेदई ग्रुप के या बिल्डिंग बन रहे हैं, सर आपका पूरा परिचय बताया, आप भी आए अचानक, तो कैसे क्या हुआ?
मैं रतनलाल बंजारा, सिक्का ड्राई क्लीनर्स, नवरत्न कॉम्प्लेक्स। मैंने यहाँ एक फ्लैट बुक कराया है और सबसे अच्छा कंस्ट्रक्शन है और बहुत बढ़िया काम है, और मैं सभी लोगों से यही उम्मीद रखता हूँ कि एक बार आके देखें और अपना निवास बुक कराएं, और सबसे अच्छा कंस्ट्रक्शन है, सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है। थैंक यू। अच्छा, क्योंकि आपके साथ आपके परिवार भी आए, घर जहाँ हम मकान की बात करें, फ्लैट की बात करें, किचन की बात करें, तो ज़्यादातर तो महिलाओं को पसंद आना बहुत ज़रूरी है। भाभी जी, आप बताइए। आप बताइए, क्या वास्तव में पसंद आएगा नहीं? आपको कोई पसंद आएगा इसकी? नहीं नहीं, बिल्कुल पसंद आया, और एक बुक भी करा रखा हमने। हमने ले लिया है। ले लिया है। वेरी गुड सर। ये तो हम उदयपुर में रहते हैं, मेवाड़ में रहते हैं, आप भी अपना परिचय देकर बताइए, क्या मेवाड़ी स्टाइल में भी कुछ मिलेगा क्या? हेरिटेज लुक दिया है फ्लैट में हमने, जो हमारे राजस्थान की संस्कृति है, इसको और आगे बढ़ाते हुए और अगली पीढ़ी भी इसका ध्यान रखे, हमने इंटीरियर्स में जो इंटीरियर डिजाइनिंग रहता है उसमें हमने खास ध्यान दिया है। फ्लैट में हम हमारे तरफ से हेरिटेज लुक दे रहे हैं, जिसका आप देख सकते हैं कि ढांचा यहीं रेडी कर रहे हैं हम, ये वो हम वहाँ पर लगाते हैं। तो ये देखो, ये जैसे कि बहुत बढ़िया वाला कोई ग्रेनाइट भी लगा रहे हो आप। तो दोस्तों, ये देखिए, ये ग्रेनाइट का पत्थर भी आ चुका है, कांच की तरह चमक रहा है। दूसरी बात के जहाँ हेरिटेज लुक की बात करें, तो देखो सारे कारीगर हेरिटेज काम के लिए, ये सारे कारीगर यहाँ आ चुके हैं। ये जो हेरिटेज लुक की आपको गोखड़े दिखेंगे, ये यहाँ के कारीगर हैं, यहाँ सारे काम चल रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया सोच है। जो मैंने पूछा उसका इन्होंने जवाब भी दे दिया, और मशीनें चल रही है, कारीगर लेबर सब अपने काम बड़े स्तर पर कर रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने, यहाँ कई सारे लोग आ रहे हैं, फ्लैट्स को देख रहे हैं, दुकानें देख रहे हैं, और ये पूरी बिल्डिंग जो आप देखो, और इसमें कई सारे सर मार्केट के लिए, हिमांशु जी, दुकानें भी दिख रही है मुझे। तो ये क्या है, लगभग क्या होगा, दुकान कौन परचेज करेगा, फ्लैट कैसे होंगे, तो क्या क्या? और ये उदयपुर से जो चेटक सर्कल है हमारा, उदयपुर का हार्ट चौराया चेटक सर्कल है, हाथीपोल चेटक सर्कल, तो चेटक से एक लगभग कितना दूर है आपका? सर, ये चेटक सर्कल से मैं आपको बताऊं कि ये तकरीबन 6 किलोमीटर के दायरे में है, 6 किलोमीटर यहाँ से दूर रहेगा चेटक सर्कल। और अब दुकानों के लिए मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर 15 दुकानें हैं, जिसके अंदर जो डेली एसेंशियल चीज़ें हैं वो यहाँ पर मिलेगी। जैसे अपने किराने के लिए है, दूध की डेयरी है, इस्त्री वाले हैं, मेडिसिन है, और ये जो भी वगैरह जो डेली नीड्स रहती हैं, सब्ज़ी वगैरह है, वो सब चीज़ें यहाँ पर जो 15 दुकानें हैं उसमें रहेगी। और ये दुकान अपन किसी को आउटर को किसी को सेल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर पूरा रेंटल में दिया जाएगा, और रेंट उनको दिया जाएगा जो अंदर ही जो हमारे यहाँ पर रहते हैं। उसका दो रीज़न है कि यहाँ रहने वालों के लिए भी एक इनकम सोर्स हो जाएगा, और दूसरा ये है कि कभी अगर इमरजेंसी में भी ज़रूरत पड़ा तो आप यहीं से उनको उनके घर से भी आप एटलीस्ट ले सकते हैं चीज़ उनकी। मेहता जी, एक बात बताओ यार, ये मार्बल के आर्टिकल क्या बन रहे हैं यार, उसके बारे में हमें कुछ दिखाओ यार, बहुत बड़े बड़े आर्टिकल, वो किसके लिए होंगे? सर, यहाँ जो मार्बल्स के जो आर्टिकल्स बना रहे हैं, ये अपने यहाँ पे जो 20,000 स्क्वायर फीट का गार्डन आ रहा है, जो UIT से अडॉप्ट किया गया है, उसको डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर पूरा काम हो रहा है। ये जो पूरे यहाँ गार्डन के स्टोन्स है, ये सबको यहाँ से कार्विंग करने के बाद इसको यहाँ पर जो 20,000 स्क्वायर फीट का गार्डन है वहाँ पर उसको लेके जाएंगे। काफ़ी काम चल रहा है। तो ये गार्डन जो सामने जो JCB लगा हुआ, वही गार्डन है क्या? नहीं, गार्डन उस तरफ है, अगर अपन चलते हैं वहाँ पे, जो उन लोगों ने कुछ पत्थर लगाए भी हैं वहाँ पर। जी 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 जी, ट्रैक्टर आ रहा है, वहाँ से सीधे जाना है। जी ज़रूर सर, आइए। ये जो है, ये बेंच है जो वो गार्डन में लगेगी, इसका आप डिज़ाइन देख सकते हैं, थोड़ा फैंसी रहेगा, आर्टिस्टिक है। ये सारी बेंचेस है जो बैठने के लिए गार्डन में यूज़ होगी। और कुछ तो ये देखिए, ये वाली जो है, ये भी एक अलग तरीके की बेंच बनाई है, पूरा गार्डन अलग तरीके का रहेगा। एक जानकारी और दो, जैसे कई सारे ये जैसे वेदिक ग्रुप के या ये बैंक के बोर्ड भी लगे हुए हैं, तो इन बैंक
को का बोर्ड का क्या मतलब, उसमें कई लोन वगैरह सिस्टम? जी सर, यहाँ अपना SBI बैंक है, वहाँ से होम लोन अपना होता है, पंजाब नेशनल है, ICICI है, और काफ़ी लीडिंग ब्रांच है जैसे RMGB है, इन सब बैंकों से अपना लोन APF अप्रूव्ड है, होम लोन के लिए यहाँ पर अपनी तरफ से अप्रूव्ड है। ये पूरी बिल्डिंग है वेदे ग्रुप की, और इसके ठीक नीचे, इसके ठीक पाँच में एक बहुत बड़ा गार्डन है, जो कि ये गार्डन किसका, UIT का है? UIT का गार्डन है, डेवलपमेंट के लिए अपन ने अंडरटेक किया हुआ इसको। ओके मतलब आप, मतलब UIT का गार्डन है, तो ये तो परमानेंट जिंदगी भर का सौदा हो गया यार लोगों के लिए। हाँ, ये जिंदगी भर का सौदा है, मतलब यहाँ पर पूरा जो UIT के नाम से उसी प्रकार से इस गार्डन को डेवलप किया जाएगा, जो वैदेही डेवलपर्स ने अंडरटेक करके इसको डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज होती है गार्डन में, नॉर्मल गार्डन में, उससे भी बेहतरीन फैसिलिटी देने का अपने प्रयत्न चल रहा है। कि जैसे नॉर्मली तो अगर अपन देखें तो जो ठीक है, गार्डन को गार्डन के जैसे ही बना देंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ आर्टिस्टिक तरीके से बनाया जाएगा, इसलिए ही वहाँ पे जो स्टोन कर्विंग का जो काम चल रहा था वो इसी गार्डन के लिए चल रहा है। ओके ओके। और ये जो सरिया है, कोई सरिया 20 का है, कोई 16 का है, कोई और जाड़ा सरिया है, तो ये तो यार कौन सी कंपनी का, और बहुत सॉलिड वाला चीज़ दिख रही है। सर, हमने यहाँ पे जो सरिये यूज़ किए हैं वो टाटा और गैलेंट कंपनी के यूज़ किए हुए हैं। जो भी बाइंडिंग वायर्स जो रहते हैं एक दूसरे को जोड़ने के, सारे टाटा के अपन यूज़ करते हैं, गैलेंट के सरिये हैं, ये सारे ब्रांडेड नाम है, जो कि मार्केट में, स्टील मार्केट के अंदर ये काफ़ी पॉपुलर नाम है। इसलिए मैंने कहा था कि क्वालिटी में कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, जो भी यूज़ किया हुआ है भले पैसा ज़्यादा जाएगा, लेकिन क्वालिटी काम होना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बिल्डिंग के काम करने में सरिया, ईंट, गिट्टी, पत्थर, यही सारे काम आते हैं, लेकिन ख़ासतौर से जो देखा जाता है बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग बनाने में, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, सरिया बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, गिट्टी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, और विशेष तौर से रेती, सेंट, जिसको सेंट बोलते हैं। हाँ मैडम, चलो ये तो सेंट है, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विधि है एंड मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ। अच्छा, हाँ। तो मार्केटिंग में, जैसे अभी तो मार्केटिंग तो आप कर ही रहे हो, मैं तो आपको देसी सवाल पूछता हूँ कि ये रेत वगैरह जो होती है बिल्डिंग का, जो जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है, वो कौन सी क्वालिटी का होता है, क्या क्वालिटी रेत की वगैरह? सर, रेत हम पहले लेप में जाके उसका पूरा प्रयोग करते हैं, अगर वो सही रहती है तो ही हम उसका यूज़ लेते हैं, वरना हम वापस भेज देते हैं, उसका पूरा टेस्टिंग करते हैं। ओके ओके। सर, आप भी बताइए, ऐसा कई चीज़ें होती है, क्योंकि रेत भी कई तरह की होती है, तो वो कौन कौन सी तरह की रेत आपको यूज ले रहे हो? तीन तरह की रेत आती है, जो हम शटरिंग के लिए जो यूज़ करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल के लिए जो यूज़ करते हैं, और फिर आगे के लिए, ये आप देख सकते हैं रेत की क्वालिटी, ये एकदम पीसी हुई है, इसका लैब टेस्ट होता है, इसकी जो क्वालिटी हमने जो सेट की है उसके इक्वल नहीं आती है, तो इसको हम रिटर्न कर देते हैं। वैसे ही सीमेंट भी, OPS क्वालिटी की सीमेंट आती है, जिसकी मजबूती इतनी ज़ोरदार रहती है कि वो केवल डैम बनाने में इंडिया में और मेट्रो बनाने में उपयोग में आती है। हमने वो सीमेंट का चयन किया है, भले वो कॉस्टली है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि यहाँ की मजबूती पे ध्यान दिया है हमने। दोस्तों देखो, क्या है कि धीरे धीरे कोरोना ख़त्म हुआ है, व्यक्ति सब अपने बिजनेस में लगे हैं, हम भी लगे हैं, सबसे मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, हम पूरे हिंदुस्तान को, क्योंकि हम सब लोग कुछ करेंगे, कुछ मेहनत करेंगे, मतलब किसान अपनी खेती करेगा, मजदूर अपना काम करेगा, बिल्डर्स अपना काम करेंगे, फैक्ट्री के मालिक अपना काम करेंगे, तो ही ये हिंदुस्तान आगे होगा। तो मार्केटिंग में क्या करना चाहिए, कैसे आप मार्केटिंग करते हो, किस तरह से लोगों को बुलाते हो, मुझे उसकी भी कोई जानकारी दें। सर, हम फ़ोन करके, मतलब पैम्पलेट से फ़ोन करके, घर घर जाके पैम्पलेट्स देख के, ऐसे हम उनको बुलाते हैं, विजिट करवाते, फिर अच्छे से उनको सब एक एक चीज़ बताते, जो जो लगा हुआ है अंदर सारा बताते अच्छे से, वीडियो भेजते, फिर अगर किसी को, मतलब कोई नहीं आ पा रहा है, बाहर है, उनको हम वीडियो भेज रहे हैं, ब्रोशर सेंड कर रहे हैं, सारा हम उनको सेंड कर देते हैं फ़ोन पे ही। मेरा तो क्या कि न्यूज़ चैनल है, उदयपुर के कई सारे लोग देखेंगे, हजारों लाखों, तो उदयपुर के लोगों से आप क्या करना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, और किस तरह के लोग आपसे आकर यहाँ आएँ, विजिट करें, और कौन सी, मतलब कैटेगरी के लोग आना चाहिए यहाँ, या सभी?
हर सेटमेंट के लोग आने चाहिए, तो मतलब हर कोई भी आ सकता है, उनके लिए हर हिसाब से उनके लिए फ्लैट्स है, और वो आए एक बार विजिट करें। क्या नाम क्या बताया आपने? विधि। विधि जी, तो दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको, दीपावली आने वाली है तो पूरा हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं, क्योंकि यूँ तो इस कोरोना के कारण पूरे वर्ल्ड के लोग परेशान हो चुके हैं, सभी के धंधे पानी चौपट हो चुके हैं, लेकिन हम सबको फिर हिम्मत करनी पड़ेगी और हम लोग हिम्मत कर रहे हैं। देखिए जैसे ये बच्ची है, ये अपनी जॉब पे आई है, कई लोग आए हैं, मजदूर अपने वापस जॉब पे आए, हम भी निकले हैं, तो हम कुछ करेंगे तो ही हमारे उदयपुर का विकास होगा, हिंदुस्तान का विकास होगा और पूरा वर्ल्ड फिर खुशहाल होगा। धन्यवाद, थैंक यू। वैदेही ग्रुप की तरफ से हम एक शो ला रहे हैं जिसका उद्देश्य मात्र एक ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाएं और लोग लाभ उठाएं हमारे इस प्रोजेक्ट का। इसमें पूरे राजस्थान तो क्या, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से पूरे इंडिया में किसी ने ऐसा शो सोचा नहीं होगा जो हम ला रहे हैं, जिसमें हम 10,000 से। हाँ, कमल जी नाम बताया ना अपना, क्या नाम? किरण कुमार जी, मैंने भी सुना है। वो शो क्या होगा, क्योंकि अभी तो घर में भी मतलब जो भी होगा, गरबा तो हो नहीं सकता इस बार, तो आपका शो क्या होगा विशेष? शो का टाइटल है कौन बनेगा किराएदार से फ्लैट मालिक, जिसमें हम 10,000 रुपये से लेके 10,00,000 तक का डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। टोटल 14 क्वेश्चंस होंगे, 14 सवाल, आप जिस सवाल तक जाते हैं जवाब दे देते हैं। मानिए आपने 2,00,000 की राशि जीती और आपने फ्लैट 27,00,000 का लिया, आपको मात्र 25,00,000 देने, तो 2,00,000 का आपको प्रावधान मिल जाएगा जो आप खुद इनाम के तौर पे जीत के निकलेंगे, तो वो डिस्काउंट रहेगा। और मैं वापस जोर देना चाहूँगा इस बात पे कि हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पूरे इंडिया में किसी ने ऐसा थीम और ऐसी सोच शायद ही कहीं रखी होगी जो हम पहल कर रहे हैं। उसका उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम का लाभ उठाएं और आगे आके इसमें पार्टिसिपेट करें और डिस्काउंट ले जाएं और अपना सपनों का घर इस शहर के अंदर, एग्जैक्टली वापस रिपीट करूंगा मैं, इस शहर के अंदर लोकेशन भुवाना पे आके बुक कराएं और आनंद उठाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे सभी वैदेही प्रीमियम हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स या उसको चलाने वाले। जरूर क्या है कि चेटक से लगभग, अपना जो चेटक सर्कल है वहाँ से लगभग 6-6.5-7 किलोमीटर है, एक बार आकर देखना चाहिए, क्योंकि आजकल ज़मीन जायदाद तो बहुत महंगी हो गए हैं, कई लोग तो ज़मीन खरीदने के भी पैसे नहीं होते हैं। तो मेरा भी ऐसा अनुभव है कि जब बना बनाया फ्लैट मिलता है तो उसको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता, नहीं तो क्या है कि हम लोग ज़मीन खरीदेंगे फिर अच्छी क्वालिटी की रेत नहीं मिलेगी, अच्छी क्वालिटी की गिट्टी नहीं मिलेगी, कहाँ से लेबर लाएंगे, तो ये बहुत टेंशन भरा मामला है। तो बना बनाया हाउस मिल रहा है वो यार, तो जनता को खुशी मिलती होगी इसे। ज़रूर, एकदम सही बात कही आपने। मैं खुद घर बनाने जाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, समय, फिर टाइटल, फिर मैं ठगा नहीं जाऊँ, इन सब चीज़ों का समाधान हमने कर दिया। आपको केवल आके इसमें फ्लैट बुक कराना है और आनंद से रहना है बस। चलो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सबको, थैंक यू बॉस, थैंक यू। उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए, दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक हर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं हमारा सपना होता है, इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, 2 BHK फॉर 24-30 lakhs, GST एंड स्टाम्प ड्यूटी बिल्कुल मुफ्त, 31 मार्च 2020 तक। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।